Hello students, welcome back to Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Students, in this video, we are going to read about Social Science, Class 5, Chapter 21, Meet the Nobel Laureates, Part 1. Let's first see what is the meaning of laureates. Laureates ka matlab kya hota hai? Laureate means a person who has been given a high official honor or prize for something they have achieved in a particular field. किसी एक person को जब कोई official honor दिया जाता है बहुत बड़ा या prize दिया जाता है उसके कुछ ऐसे काम के लिए जो किसी particular field में हो, जैसे politics है या फिर sports है या फिर education है, किसी भी field में जब वो कोई अच्छा काम करते हैं तब उनको ये अवार्ड या ऑनर दिया जाता है. तो इस चैप्टर में हम ऐसे दो नोबेल लॉरिएट्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने कुछ किया है सोसाइटी के लिए. तो फर्स्ट इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं आंग सैन सू की बारे में, एंड वी विल रीड अबाउट द अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन ऑफ आंग सैन सू की. सो लेट्स सी. अभी आप जो पिक्चर देख रहे हो, शी इज आंग सैन सू की. शी वॉज बोर्न ऑन 19 जून 1945 टू बर्मीज पेरेंट्स. ये आंग सैन सू की पिक्चर आपने अभी देखी जिनका बर्थ हुआ था 19 जून 1945 को, और उनके पेरेंट्स जो थे वो बर्मा से बिलोंग करते थे. बर्मा जो अभी म्यांमार हम बोलते हैं, है ना, तो म्यांमार जो कंट्री है उसका ओल्ड नेम बर्मा था. तो ये उसके पेरेंट्स हैं, फादर एंड मदर. सो हर फादर वॉज जनरल आंग सैन एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न बर्मीज आर्मी एंड ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न बर्मा. उनको फादर ऑफ मॉडर्न बर्मा के नाम से जाना जाता है और वो मॉडर्न बर्मीज आर्मी के फाउंडर थे. हर मदर खीन की वॉज अ पॉलिटिशियन एंड अ डिप्लोमेट. उनकी जो मदर थी वो एक पॉलिटिशियन थी और डिप्लोमेट थी. डिप्लोमेट का मतलब होता है समवन हु इज सेंट बाय अ कंट्री टू अनदर कंट्री टू मेंटेन गुड रिलेशन विथ इट. मीन्स डिप्लोमेट एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी और कंट्री में जिसको भेजा जाता है ताकि दूसरी कंट्री से जो रिलेशन है हमारे वो अच्छे हो. तो अच्छे रिलेशंस बनाए रखने के लिए जो काम करते हैं दे आर कॉल्ड डिप्लोमेट्स. शी वॉज अपॉइंटेड एज बर्मीज एम्बेसैडर टू इंडिया इन 1960 में आंग सैन सू की जो मदर थी खीन की, उनको बर्मीज एम्बेसैडर टू इंडिया अपॉइंट किया गया था. सू की लॉस्ट हर फादर व्हेन शी वॉज ओनली 2 ईयर्स ओल्ड. जब वो सिर्फ 2 साल की थी उन्होंने अपने फादर को खो दिया. हर लाइफ वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हर मदर एंड ऑल्सो बाय विजिटर्स हैविंग डाइवर्स पॉलिटिकल ओपिनियंस एंड आइडियोलॉजीज हु विजिटेड हर रेजिडेंस. जैसा कि हम जानते हैं उनकी मदर एक पॉलिटिशियन थी, तो उनके घर में जो भी पॉलिटिशियंस थे उनका आना जाना लगा रहता था, और उनके जो थॉट्स थे, उनके जो ओपिनियंस थे, उनकी जो आइडियोलॉजीज थी, उनका असर जो है सू की लाइफ पर भी हुआ. उनका लाइफ भी उससे इन्फ्लुएंस्ड हुआ था. शी वॉज अल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधीज फिलोसॉफी ऑफ नॉन वायलेंस. उन्होंने महात्मा गांधी जी को भी पढ़ा था, उनकी बुक्स पढ़ी थी, और वो महात्मा गांधी जी की लाइफ से भी बहुत इन्फ्लुएंस हुई थी, प्रेरित हुई थी. व्हेन हर मदर वॉज अपॉइंटेड एम्बेसडर टू इंडिया सू की अल्सो केम विथ हर टू दिल्ली. जब उनकी मदर इंडिया में आई एज एन एम्बेसडर फ्रॉम बर्मा, तो सू की भी उनके साथ दिल्ली आई. यहाँ उन्होंने
अपना जो स्कूलिंग था, शी कम्प्लीटेड हर स्कूलिंग फ्रॉम द कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल से उन्होंने कम्प्लीट किया अपना स्कूलिंग. एंड देन शी कम्प्लीटेड अ डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम लेडी श्रीराम कॉलेज न्यू दिल्ली. यहाँ से उन्होंने अपनी डिग्री कम्प्लीट की इन पॉलिटिकल साइंस. देन शी वेंट टू इंग्लैंड फॉर अ बैचलर्स डिग्री इन फिलोसॉफी पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स फ्रॉम हक्स कॉलेज इन ऑक्सफर्ड. तो जो सेंट हक्स कॉलेज ऑक्सफर्ड में है वहाँ से उन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री कम्प्लीट की फिलोसॉफी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में. यहीं पर इसी कॉलेज में उनकी मुलाकात हुई थी उनके फ्यूचर हस्बैंड से. शी मेट हर फ्यूचर हस्बैंड डॉक्टर माइकल एरिस हु वॉज अ लीडिंग ऑथर एंड हिस्टोरियन ऑन भूटानीज तिब्बतन एंड हिमालयन कल्चर एंड रोट न्यूमरस बुक्स ऑन बुद्धिज्म. माइकल एरिस जो थे वो एक हिस्टोरियन थे, ऑथर थे और उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी भूटानीज देन तिब्बतन और हिमालयन कल्चर के ऊपर और बुद्धिज़्म के ऊपर भी उन्होंने बुक्स लिखी. दे लिव्ड इन ऑक्सफर्ड एंड हैड टू सन्स. वो ऑक्सफर्ड में ही रहे, उनके दो बच्चे भी हुए थे, अलेक्जेंडर एंड किम उनका नाम था. इन 1988 सू की रिटर्न टू बर्मा टू लुक आफ्टर हर एलिंग मदर. 1988 में सू की बर्मा में चली गई क्योंकि उनकी मदर जो थी वो बीमार और कमज़ोर हो गई थी. हाउएवर शी स्टेड बैक टू स्टार्ट अ पीसफुल प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट अगेंस्ट द मिलिट्री रूल ऑफ जनरल ने विन. जनरल ने विन जो उस समय बर्मा में थे और उनका मिलिट्री रूल वहाँ पर चल रहा था, तो सू की ने सोचा कि वहीं रहकर वो एक पीसफुल प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलाएंगी जनरल के खिलाफ, उनके अगेंस्ट में. शी फॉर्म्ड अ पार्टी कॉल्ड नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी. उन्होंने एक पार्टी बनाई अपनी पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी एंड विच वॉन 59% ऑफ वोट्स इन द जनरल इलेक्शंस इन 1990. जब इलेक्शंस हुए थे वहाँ पर तो उन्होंने 59% वोट से वहाँ पर जीत दर्ज की थी. हर पार्टी वुड हैव फॉर्म द गवर्नमेंट बट वॉज नॉट अलाउड टू डू सो बाय मिलिट्री रूलर्स. उनकी पार्टी गवर्नमेंट बनाना चाहती थी लेकिन वहाँ के जो मिलिट्री रूलर्स थे उन्होंने उनको ऐसा नहीं करने दिया. शी वॉज इंस्टेड प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट. उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया था. हाउस अरेस्ट का मतलब होता है एज अ प्रिजनर, कैदी की तरह अपने ही घर में उनको बंद रखा गया, मतलब उनको बाहर आना मना था. शी रिमेन्ड अंडर हाउस अरेस्ट इन बर्मा फॉर ऑलमोस्ट 15 years. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हर हाउस जहाँ उनको 15 साल तक हाउस अरेस्ट में रखा गया था. अंटिल शी वॉज रिलीज्ड ऑन 13 नवंबर 2010. तो जुलाई 20, 1989 से 13 नवंबर 2010 तक वो अपने ही घर में अरेस्ट थी. एंड बिकमिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल प्रिजनर. और वो इस तरह से वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, जिसको हम कहते हैं प्रोमिनेंट मीन्स इम्पोर्टेंट एंड फेमस पॉलिटिकल प्रिजनर वो बन गई थी. इन 1991 सू की वॉन द नोबेल पीस प्राइज. 1991 में उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया बट सिंस शी वॉज अंडर हाउस अरेस्ट सू की वॉज नॉट परमिटेड टू ट्रैवल टू ओस्लो टू रिसीव द सेम. ये अवार्ड लेने के लिए वो नहीं जा पाई क्योंकि वो हाउस अरेस्ट थी, उनको बाहर जाना मना था. शी रिमेन्ड इन डिटेंशन. She had the choice to withdraw from politics, leave Burma and set herself free. उनके पास चॉइस थी कि वो पॉलिटिक्स छोड़ करके और बर्मा छोड़ के कहीं और चली जाए, बट ऐसा नहीं हुआ एंड
उनके जो दोनों बच्चे थे अलेक्जेंडर एंड किम, उन्होंने नोबेल प्राइज़ जो है उनके बिहाफ पर कलेक्ट किया. सो अलेक्जेंडर एंड किम एक्सेप्टेड द नोबेल प्राइज़ ऑन बिहाफ ऑफ देयर मदर. सू की अनाउंस दैट शी वुड यूज़ द अवार्ड मनी ऑफ $1.3 million टू इस्टाब्लिश अ हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट फॉर बर्मीज पीपल. उनको जो भी मनी मिला था, पैसे मिले थे $1.3 million, मतलब अगर हम इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 9 करोड़ से भी ज़्यादा ये अमाउंट था. और उन्होंने ये सारा जो अमाउंट उनको मिला था, पैसे मिले थे, उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए दे दिया जो कि हेल्थ और एजुकेशन के फील्ड में काम करता था बर्मा में, म्यांमार में. तो वहाँ उन्होंने ये सारे पैसे दे दिए. एंड शी फाइनली एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज 21 इयर्स आफ्टर शी हैड वॉन इट इन ओस्लो सिटी हॉल. और जब उनको ये नोबेल पीस प्राइज अनाउंस हुआ था, उसके 21 इयर्स बाद उनको वो प्राइज उन्होंने एक्सेप्ट किया. इन 1992 शी वॉज अवार्डेड द जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उनको जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया 1992 में. सुकी वॉज अल्सो प्रेजेंटेड द कॉन्ग्रेशनल गोल्ड मेडल विच इज़ द हाइएस्ट सिविलियन ऑनर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो हाइएस्ट सिविलियन ऑनर है, जिसको कॉन्ग्रेशनल गोल्ड मेडल कहा जाता है, वो भी इनको दिया गया बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अब सिविलियन ऑनर का मतलब होता है, यहाँ सिविलियन का मतलब होता है जो कॉमन सिटीजन्स होते हैं, जो किसी भी आर्म फोर्स में नहीं होते हैं, तो दे आर नोन एज सिविलियंस. दोज आर नॉट द पार्ट ऑफ एनी और दे आर नॉट सर्विंग फॉर द कंट्री इन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तो दे आर नोन एज सिविलियंस. तो उनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ओर से भी ये ऑनर दिया गया था. इन 1995 शी मेट हर हस्बैंड डॉक्टर माइकल एरिस फॉर द लास्ट टाइम. 1995 में वो अपने हस्बैंड से लास्ट टाइम मिली थी. एंड हर हस्बैंड वॉज डायग्नोस्ड विथ कैंसर. उनके हस्बैंड कैंसर हो गया था. उनको डायग्नोज का मतलब डिटेक्ट करना, तो डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया कि उनको कैंसर हुआ है. एंड ही डाइड इन 1999 विदाउट मीटिंग हिज बिलव्ड वाइफ. अपनी वाइफ से मिले बिना ही उनका उनकी डेथ हो गई थी 1999. इन मार्च 2013 सू की वॉज री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD, द पार्टी शी फाउंडेड 35 years ago. इन मार्च 2013 में वो वापस इलेक्शन में खड़ी रही और वापस री इलेक्टेड हुई एज अ चेयरमैन. जो पार्टी उन्होंने 35 years पहले फाउंडेशन जिसका रखा था, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी का, उसी पार्टी की वो चेयरमैन बन के आई. शी बिकेम द फर्स्ट एवर स्टेट काउंसिलर ऑफ म्यांमार ऑन 6 अप्रैल 2016 में 6 अप्रैल को वो स्टेट काउंसिलर ऑफ म्यांमार चुनी गई. उन्होंने कई बुक्स भी लिखी थी, आप देख सकते हो उनकी पिक्चर्स, बुक्स की पिक्चर्स है आपकी स्क्रीन पर. लेटर्स फ्रॉम बर्मा, फ्रीडम फ्रॉम फियर, लेट्स विजिट नेपाल, ये उनकी कुछ बुक्स भी हैं लिखी हुई. सू कीज स्ट्रगल इज वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जाम्पल्स ऑफ सिविल करेज इन एशिया इन रिसेंट डिकेड्स. उनका जो लाइफ था बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ था एंड शी वॉज वेरी करेजियस. तो इस तरह से हमने अभी देखा कि जो दो पर्सनैलिटीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो फर्स्ट जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, और सेकंड जो है द
तवाकुल कर्मन, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू देन प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. We will meet soon in our next video. Till then, take care. Bye-bye.